हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। एक न्यू वैकेंसी आई है, DBA डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी 687 वैकेंसी है, आप सभी के लिए है, आप सभी अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बोला है, कितनी वैकेंसी है और 6 से 7 पोस्ट है और 687 वैकेंसी है। तो हर एक टाइप के क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए DDA डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जॉब है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, डोमिसाइल का कोई भी यहां पर टेंशन नहीं। देखिए 687 वैकेंसी है, ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 3 जून से 2 जुलाई तक भरना है, ठीक है, याद रखिए और आप इसमें भरिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, JSA जूनियर स्टेटिकल असिस्टेंट, ठीक है, तो इसमें जनरल के लिए है 114, EWS के लिए 28, SC कैंडिडेट के लिए 30, ST के लिए 6 और OBC के लिए 16 है, ठीक है, टोटल है 194 वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें बोला गया है आपको +2, अगर आप +2 है तो आप कोई भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज बोला है 18 से 27 साल 18 to 27, और इसमें टाइपिंग मैंडेटरी है इंग्लिश या हिंदी, अगर आप इंग्लिश से करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी से करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, क्लियर। नेक्स्ट JEA है ना, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, ठीक है, इसकी वैकेंसी है जनरल के लिए 98 है, EWS के लिए 23 है और SC के लिए 35 है, ST के लिए 18 है, OBC के लिए 62 है और टोटल है 236 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको बोला है डिप्लोमा आप किए होंगे सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में अगर डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल इसमें बोला गया है, ठीक है। एज ASO का वैकेंसी है, ठीक है, 52 है जनरल के लिए, EWS के लिए 12 है, SC के लिए 19 है, ठीक है, ST के लिए 9 है, OBC के लिए 33 है और 125 टोटल है, ठीक है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं कोई भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एज 30 साल है, ठीक है। नेक्स्ट पटवारी की वैकेंसी है, पटवारी कर्मचारी, ठीक है, तो जनरल के लिए 17 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 10 है और टोटल है 40, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एज है 21 से 27, यस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट, इसमें है जनरल के लिए 9 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है और टोटल इसमें 15 वैकेंसी है। अगर आप LLB से ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल। तो इसमें आप पटवारी में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 21 से 27। उसके बाद देखिए लीगल असिस्टेंट का क्या बोलता है, लीगल असिस्टेंट में 9 वैकेंसी है, ठीक है, जनरल के लिए, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 2 है और टोटल कितना है 15 है, ठीक है। और अगर आप LLB से ग्रेजुएट होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज है 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका 3 साल का होगा, ठीक है। और एक चीज आप सुन ले, देखिए कैटेगरी वाइज सब में रिजर्वेशन है, कैटेगरी अगर आप SC ST हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा सभी में ऐड कर लेंगे, ठीक है, अगर आप OBC हैं तो 3 साल ऐड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद नैब तहसीलदार,
एक वैकेंसी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए कोई भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक है और टोटल चार वैकेंसी है। ठीक है, ग्रेजुएट अगर आप हैं 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कीजिएगा, 21 से 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सर्वेयर की वैकेंसी है, सर्वेयर में क्या बोला है, जनरल में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है और टोटल है 13। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, डिप्लोमा किए हुए हैं विद 2 साल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना, नेशनल ट्रेड का सर्टिफिकेट, तो वो होना चाहिए। ठीक है, और 18 से 25 साल एज होना चाहिए। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है ना, तो जनरल के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और टोटल है 9। ग्रेजुएट है आप अगर, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्ट्रीम में। टोटल आपका एज जो होना चाहिए 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी है, एसटी एससी है, तो 3 और 5 साल ऐड करेंगे। डबल एओ, अकाउंट असिस्टेंस ऑफिस, ठीक है, तो देखिए जनरल के लिए आपको 23 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 13 है और टोटल है 51। ठीक है, एमबीए अगर आप किए हुए हैं फाइनेंस में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सीए और सीएस दोनों में से कोई, ठीक है, और 30 साल आपका होना चाहिए। अगर 30 साल से ज्यादा है तो अप्लाई नहीं कीजिएगा, 30 साल के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, जो एग्जाम आपका होगा ना, एग्जाम होगा अगस्त और सितंबर के बीच में, ठीक है, एग्जाम, और फीस जो आपकी लग रही है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपया और एसटी एससी का 0, यहां ध्यान देंगे एसटी एससी वाले, कोई भी फीस आपका नहीं है। ठीक है, और इसमें एग्जाम पैटर्न की अगर हम देखने की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न में क्या बोला है, देखिए 8 पोस्ट है इसमें, है ना, 687 वैकेंसी में 8 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें 5 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें दो दो एक एक एग्जाम होंगे, ठीक है, एक एक एग्जाम है, और जो 3 पोस्ट हैं उसमें 2 एग्जाम है। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा पोस्ट के लिए 2 एग्जाम है, ठीक है, और लास्ट वाले के लिए 2 एग्जाम है, और बाकी ये पांचों में इसमें एसओ पटवारी, लीगल असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, सर्वेयर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में सिर्फ उसमें एक एक एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए पहला एक एक एग्जाम जिसमें है ना उसमें 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या होंगे, मैथ्स पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, जीके पूछेगा और एक पूछेगा क्या जो रीजनिंग। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा इसमें। ठीक है, और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जिसमें 2 स्टेज में एग्जाम है, 2 एग्जाम होंगे उसमें है आपको रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, जीके में, जीए में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। मींस एसएससी सीजीएल को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेम टाइप के पैटर्न है एग्जाम का। ठीक है, स्टेज टू में जब एग्जाम होगा उसमें मैथ में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, जीए में 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, और कंप्यूटर नॉलेज सीके में आपको 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स का, आपका जो कंप्यूटर का जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में टाइपिंग होगी, है ना, तो टाइपिंग का भी मार्क्स ऐड नहीं होता है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आपका मेरिट जो बनेगा तो इस आधार पे मेरिट बनने वाला है स्टेज टू के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नोटिफिकेशन में क्या बोला है, और ये बहुत अच्छी जॉब है डीडीए, डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप अप्लाई कीजिएगा, है ना, तो ऑल ओवर इंडिया की जॉब है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। ठीक है।